नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आप सभी का प्राइम टीवी पर हमारा खास शो बॉलीवुड तड़का में बॉलीवुड की क्रिस्पी और चटपटी खबरों के साथ आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन खबरें। तो चलिए खबरों की एक्सप्रेस में बॉलीवुड की खबरों के बारे में आपको जानने में दिलचस्पी रहती है, इसलिए तो हम लेकर आए हैं बॉलीवुड की तमाम नई खबरें। क्या कुछ हो रहा है बॉलीवुड दुनिया में, आइए जानते हैं। शादी विवाह शादी विवाह को हमारे भारतीय संस्कृति का एक बेहद अहम हिस्सा मानते हैं। 30 की उम्र के आप हुए नहीं कि शादी की शहनाइयां बजने का इंतजार किया जाने लगता है। हालांकि अब जमाना बदल गया है, अब लोगों की शादी देर से होने लगी है। खास तौर से बॉलीवुड में कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो हैप्पीली सिंगल हैं और अपनी सिंगलहुड को इंजॉय भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे सेलेब्स के बारे में जो फिलहाल सिंगल है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम सलमान खान के बारे में। सलमान खान बॉलीवुड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर की टॉप लिस्ट में आते हैं। सिंगल होकर भी जिंदगी का लुफ्त उठाया जा सकता है, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सलमान खान के केस में ये काफी फिट बैठता है। आइए एक नजर डालते हैं सलमान खान की लाइफ के ऊपर। 55 साल के हो चुके सलमान खान का स्वैग कुछ ऐसा है कि उनके सामने यंग एक्टर्स भी फीके पड़ जाते हैं। अब्दुल राशिद सलीम खान उर्फ सलमान खान हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता तो हैं ही, साथ ही साथ वे निर्माता, टेलीविजन पर्सनालिटी और समाज सेवी भी हैं। लोग उन्हें प्यार से सल्लू भाई, भाईजान आदि नामों से पुकारते हैं। उन्होंने अपने करियर में कई छोटी बड़ी फिल्मों में काम किया और धीरे धीरे उनके प्रशंसकों की संख्या लगातार बढ़ती गई। उन्होंने इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम स्थापित किया है और वे हिंदी सिनेमा के अग्रणी अभिनेताओं में से एक है। मौजूदा समय में उनकी फैन फॉलोइंग का ये आलम है कि उनके घर के बाहर उनके चाहने वालों की भीड़ लगी रहती है। उनके फैंस की दीवानगी कुछ ऐसी है कि उनकी एक झलक पाने के लिए उनके प्रशंसक बेताब रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि सलमान खान को अपने फैंस से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। टाइम सेलेब्स बॉलीवुड एक्ट्रेस इंडेक्स में वे बराबर टॉप पर रहते हैं। अगर उनके करियर की बात करें तो सलमान खान ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत सहायक अभिनेता के तौर पर फिल्म बीबी हो तो ऐसी से की थी। मुख्य अभिनेता के तौर पर उनकी पहली फिल्म मैंने प्यार किया थी, जो कि सुपरहिट थी। उनकी फिल्म हम आपके हैं कौन ने सभी का दिल जीता, तो वही फिल्म तेरे नाम में उनके अभिनय की काफी प्रशंसा हुई और अपने अभिनय से उन्होंने सभी को भावुक कर दिया। इस फिल्म में सलमान को लेकर उनके फैंस की दीवानगी कुछ यूं थी कि उन्होंने सलमान की तरह ही अपने बालों की स्टाइल रख ली और वह हेयर स्टाइल तेरे नाम से मशहूर हो गया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उनके प्रशंसकों में इसलिए भी इजाफा हुआ क्योंकि उन्हें एक्शन फिल्मों में ज्यादा पसंद किया गया। फिल्म वांटेड के बाद से उन्होंने लगातार हिट फिल्मों की लाइन लगा दी। साल 2008 में सलमान ने टीवी शो 10 का दम होस्ट किया, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया, जिसके बाद 2010 में बिग बॉस 4 होस्ट किया। बिग बॉस होस्टिंग में सलमान खान खूब पॉपुलर हुए थे। फिर सलमान ने लगातार बिग बॉस 8, 9, 10, 11, 12, 13 सीजन भी होस्ट किए और अब बिग बॉस 14 होस्ट कर रहे हैं। बता दें कि उनकी लव स्टोरी की शुरुआत साल 1997 में ऐश्वर्या के साथ शुरू हुई थी। उस वक्त सलमान सुपरस्टार थे और ऐश्वर्या राय इंडस्ट्री में स्ट्रगलिंग दौर में थी और इसके बाद कई लड़कियां उनकी लाइफ में आई। फिलहाल सलमान खान की गर्लफ्रेंड लुलिया है, जो बेहद खूबसूरत है, लेकिन फिलहाल अभी भी उनका शादी करने का कोई इरादा नहीं है। लुलिया रोम लासी की रहने वाली है। महज 15 साल की उम्र में अपने खर्चे खुद उठाने के लिए लुलिया ने टीवी प्रेजेंटर बन गई थी। टीवी प्रेजेंटर के साथ ही लुलिया मॉडलिंग भी करने लगी। अब बात करते हैं उदय चोपड़ा के बारे में। फिल्म मेकर यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा तो दो बार शादी कर चुके हैं, लेकिन उनके छोटे बेटे उदय चोपड़ा ने शादी का लड्डू एक बार भी नहीं चखा। हालांकि एक बार इनका नाम एक्ट्रेस नरगिस के साथ जोड़ा गया, लेकिन दोनों का रिश्ता बेहद कम वक्त के लिए टिका। ऐसी क्या बात है जो उदय चोपड़ा ने शादी नहीं की?
उदय चोपड़ा एक भारतीय फिल्म अभिनेता, सहायक निर्देशक, निर्माता हैं। वह फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने निर्माता निर्देशक दिवंगत यशराज चोपड़ा के छोटे बेटे हैं। उन्हें हिंदी सिनेमा में फिल्म मोहब्बते के लिए जाना जाता है। उदय चोपड़ा का जन्म 5 जनवरी 1973 को जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक दिवंगत यशराज चोपड़ा और पमेला चोपड़ा के घर में हुआ था। वह आदित्य चोपड़ा के छोटे भाई हैं। उदय चोपड़ा ने अपने करियर की शुरुआत यशराज बैनर की फिल्म मोहब्बते से की थी। यह फिल्म उस साल की सबसे हिट फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट शमिता शेट्टी नजर आई थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें किसी भी फिल्म में कोई खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद वह अपने पिता की कंपनी में बतौर सहायक निर्देशक काम करने लगे। रणदीप हुड्डा कभी मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन के साथ रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले रणदीप हुड्डा नीतू चंद्रा के साथ भी रिलेशन को लेकर चर्चा में रहे, लेकिन रिलेशनशिप से शादी करने का ख्याल कभी भी रणदीप के जहन में नहीं आया। 44 साल के हो चुके रणदीप हुड्डा का फोकस अभी भी उनके करियर पर ही है। आखिर क्यों है रणदीप को शादी से ऐतराज, चलिए जानते हैं। रणदीप हुड्डा हिंदी फिल्मों के अभिनेता हैं। वे फिल्मों में आने से पहले मॉडलिंग और थिएटर में अभिनय करते थे। वह अपने अभिनय की वजह से लोगों के बीच खासा चर्चित में हैं। फिल्मों के अलावा वे पोलो और शो जंपिंग जैसे खेलों में बराबर प्रतिभाग करते हैं। वह समाज सेवी और ब्लॉगर भी हैं। रणदीप हुड्डा का जन्म रोहतक हरियाणा में हुआ था। रणदीप हुड्डा की पढ़ाई मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स सोनीपत हरियाणा से हुई थी। शुरुआती दिनों में उनका खेलों की तरफ काफी रुझान था, लेकिन बाद में उन्होंने थिएटर और एक्टिंग की तरफ अपनी रुचि विकसित की। उनका दाखिला दिल्ली पब्लिक स्कूल आरकेपुरम नई दिल्ली में भी हुआ था। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद वे मेलबर्न चले गए। वहां से उन्होंने मार्केटिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। हुड्डा के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने शुरुआत मीरा नायर की फिल्म मानसून वेडिंग से की थी। मुख्य अभिनेता के तौर पर वे राम गोपाल वर्मा की फिल्म डी में दिखाई दिए के बाद उन्होंने कई छोटी बड़ी फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय का इंडस्ट्री में लोहा मनवाया। फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद ही रणदीप हुड्डा कई फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। जन्नत 2, मर्डर 3, सरबजीत, बागी 2, सुल्तान और किक 2 उनकी बेहतरीन फिल्में हैं। अब बात करते हैं अभय देओल के बारे में। अभय देओल भी 44 के हो चुके हैं और अभी भी वो कुंवारे हैं। कुछ साल पहले तक अभय प्रीति देसाई को डेट कर रहे थे। प्रीति से 4 साल तक रिलेशन में रहे अभय ने ब्रेकअप के बाद दोबारा किसी से दिल नहीं लगाया और ना ही घर बसाया। अभय देओल का जन्म 15 मार्च 1976 में मुंबई में हुआ था। अभय निर्माता और निर्देशक अजीत सिंह देओल के पुत्र हैं। उनकी माता का नाम उषा देओल है। उनके चाचा प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र हैं और अभिनेता सनी देओल, बॉबी देओल और अभिनेत्री ईशा देओल उनके चचेरे भाई बहन हैं। अभय देओल एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने मुख्य रूप से बॉलीवुड में काम किया है। इन्हें फिल्म देव डी से सबसे ज्यादा उपलब्धि प्राप्त हुई, जिसके बाद अभय को बड़ी बड़ी फिल्मों में देखा गया, जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, रांझणा, हैप्पी भाग जाएगी आदि। फिल्मी परिवार से होने के कारण अभय भी अपने चाचा और कजिन भाइयों की तरह बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मेरी फिल्मों में अभिनय करने की इच्छा बचपन से थी, लेकिन मैं उससे पहले एक्टिंग से जुड़ी हर बारीकी को पूरी तरह सीखना चाहता था। अभय ने अपने करियर की शुरुआत निर्देशक इम्तियाज अली की फिल्म सोचा ना था से शुरू की थी। उसके बाद वह आहिस्ता आहिस्ता और मल्टी स्टार फिल्म हनीमून्स ट्रेवल्स लिमिटेड में नजर आए। उनकी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई की थी। अभय को पहचान उनकी फिल्म ओए लक्की लक्की ओए से मिली। इस फिल्म में उनके किरदार को आलोचकों द्वारा बेहद पसंद किया गया। अभय के करियर की टर्निंग पॉइंट फिल्म देव डी से हुई थी। इस फिल्म में उनके अभिनय ने उन्हें बॉलीवुड में एक नई पहचान दिलाई। अभय अभिनय के अलावा निर्माता भी हैं।
जिसके बाद वह मल्टी स्टारर फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में फरहान अख्तर और ऋतिक रोशन के साथ नजर आए, जिसने बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए आयाम स्थापित कर दिए। साल 2013 में आई फिल्म रांझणा में अभय देओल की उम्दा अदाकारी देख दर्शक समेत आलोचक भी शौक रह गए थे। आयशा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, देवडी, हनीमून स्टेबल लिमिटेड, आहिस्ता आहिस्ता, सोचा ना था, रांझणा, हैप्पी भाग जाएगी जैसी फिल्में अभय ने की। अक्षय खन्ना की बात करें तो दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना भी हैप्पीली सिंगल की लिस्ट में शामिल हैं। वो 45 के हो चुके हैं। अक्षय खन्ना खुद एक इंटरव्यू में ये कबूल कर चुके हैं आखिर क्यों उन्हें अभी तक शादी का इरादा नहीं बनाया। अक्षय खन्ना एक हिंदी फिल्म अभिनेता हैं। अक्षय खन्ना का जन्म 28 मार्च 1975 में मुंबई में हुआ था। वह 70-80 के दशक के मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना के पुत्र हैं और इनके बड़े भाई राहुल भी एक बॉलीवुड अभिनेता हैं। अक्षय खन्ना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से संपन्न की थी। पिता के अभिनेता होने के कारण वह भी अभिनय में दिलचस्पी लेने लगे थे। के लिए उन्होंने नमित कपूर एक्टिंग स्कूल से अभिनय की बारीकियां भी सीखी। अगर उनके करियर की बात करें तो अक्षय ने हिंदी सिनेमा में फिल्म हिमालय पुत्र से डेब्यू किया था। फिल्म को उनके पिता विनोद खन्ना ने प्रोड्यूस किया था। हालांकि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। उसके बाद वह मल्टी स्टारर फिल्म बॉर्डर में नजर आए थे। उनकी एक्टिंग को आलोचकों द्वारा काफी सराहा गया। इस फिल्म में उन्हें उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें उनका पहला फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन भी मिला था, जिसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया जो दर्शकों को अपनी ओर खींचने में खासा कामयाब नहीं हो सकी। साल 1999 में आई फिल्म आप लौट चलें और फिल्म ताल उनके करियर की अच्छी फिल्मों में से एक है। इन दोनों ही फिल्मों में वह ऐश्वर्या राय बच्चन के अपोजिट नजर आए थे। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा व्यापार किया था। इसके बाद वह फरहान अख्तर की निर्देशन डेब्यू फिल्म दिल चाहता है में नजर आए। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। इस फिल्म को आलोचकों द्वारा भी काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। उन्होंने बड़े पर्दे पर सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं निगेटिव किरदार भी उम्दा तरीके से निभाए। वह फिल्म हमराज में नजर आए जिसे दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया गया। इसके लिए उन्हें फिल्मफेयर में निगेटिव रोल के लिए नामांकन भी किया गया था। इसके बाद वह कॉमेडी फिल्म हंगामा और एक्शन रोमांस में नजर आए। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा व्यापार किया। इसके बाद वह कई सारी फिल्मों में दिखाई दिए, जैसे नो प्रॉब्लम, 30 मार खान, शादी से पहले, मेरे बाप पहले आप, लेकिन यह सभी फिल्में दर्शकों को सिनेमा घर तक नहीं खींच सकी। 5 साल के लंबे ब्रेक के बाद 2016 में अक्षय खन्ना ने फिल्म डिशुम से हिंदी सिनेमा में अपनी वापसी की। इस फिल्म में उनके अलावा जॉन अब्राहम, वरुण धवन, आलिया भट्ट और जैकलीन फर्नांडिस भी नजर आए। अगर उनके लव लाइफ की बात करें तो फिलहाल वो अभी सिंगल हैं और इसी को लेकर अक्षय खन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका शादी करने का कोई इरादा नहीं है और वो अपने पर्सनल स्पेस में काफी खुश हैं। तुषार कपूर, अभिनेता तुषार कपूर ने भी शादी नहीं की, लेकिन वो एक बेटी के पिता हैं। एक वक्त था जब तुषार का नाम उनकी सह अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा करता था, लेकिन उनका भी कोई रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक नहीं टिका। तुषार 44 साल के हैं और वो सरोगेसी के जरिए एक बेटे के पिता बन गए हैं। अपनी लाइफ में क्या तुषार सिंगल खुश है, आइए जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में। तुषार कपूर एक भारतीय फिल्म कलाकार हैं। तुषार कपूर का जन्म 20 नवंबर 1976 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता जितेंद्र बॉलीवुड के लीजेंड अभिनेताओं में से एक हैं। उनकी माता का नाम शोभा कपूर है जो कि एक फिल्म निर्माता है और इनकी एक बहन है एकता कपूर जो कि फिल्म और टेलीविजन निर्माता है। इनके करियर की बात करें तो तुषार कपूर ने साल 2001 में फिल्म मुझे कुछ कहना है से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट करीना कपूर थी। इस फिल्म में उन्हें उनके अभिनय के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ डेब्यू कलाकार के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद कुछ तो है जैसी फिल्में की।
हालांकि फिल्में तो कुछ खास नहीं रही, लेकिन आलोचकों ने उनकी सराहना की। इसके बाद मल्टी स्टारर फिल्म खाकी में नजर आई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा व्यापार किया। उसके बाद वह फिल्म क्या कूल है हम में नजर आई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा बिजनेस किया। उन्होंने फिर हिंदी सिनेमा की कई बेहतरीन फिल्मों में अपने दर्शकों का मनोरंजन किया। करण जौहर अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर काफी चर्चित रहे। अपनी बायोग्राफी एंड अनसुटेबल बॉय में करण ने कई सवालों के जवाब देने की कोशिश भी की थी। 48 साल के हो चुके करण जौहर ने भी शादी नहीं की। वो कुंवारे हैं और सरोगेसी के जरिए दो बच्चों के पिता भी हैं। करण जौहर, जिन्हें लोग केजो के नाम से भी जानते हैं, भारतीय फिल्म डायरेक्टर, निर्माता, स्क्रीन राइटर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, अभिनेता और टेलीविजन पर्सनालिटी है, जो कि हिंदी फिल्मों में अपने बेहतरीन काम की वजह से जाने जाते हैं। करण जौहर का जन्म मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम यश जौहर है, जो कि बॉलीवुड फिल्मों के निर्माता और धर्मा प्रोडक्शन के संस्थापक थे। करण ने मुंबई के ग्रीन लॉस हाई स्कूल और एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। उन्होंने फ्रेंच में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। करण जौहर ने फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से सहायक निर्देशक के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत की, जो कि हिंदी सिनेमा की लैंडमार्क फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म में उन्होंने शाहरुख के एक दोस्त का छोटा सा किरदार निभाया था। निर्देशक के तौर पर उनकी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है थी, जो ब्लॉकबस्टर रही। यह फिल्म एक प्रेम त्रिकोण पर आधारित थी। फिल्म की काफी सराहना हुई और फिल्म ने कई पुरस्कार जीते। इसके बाद कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, माय नेम इज खान, इन सभी फिल्मों में करण ने अपने अजीज दोस्त शाहरुख खान को ही लीड रोल में कास्ट किया। उनके इसके बाद कई उनकी निर्माता निर्देशक के तौर पर फिल्मों में उन्होंने नई पीढ़ी को कास्ट करना शुरू कर दिया। कई फिल्मों में वे कैमियो भी करते नजर आ चुके हैं। डायरेक्टर के तौर पर इन्होंने कई सारी फिल्में की हैं, जैसे कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, माई नेम इज खान, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बॉम्बे टॉकीज आदि। और निर्माता के तौर पर कल हो ना हो, कभी अलविदा ना कहना, काल, दोस्ताना, कुर्बान, विक अप सिड, माय नेम इज खान, आई हेट लव स्टोरी, वी आर फैमिली, अग्निपथ, एक मैं और एक तू, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, गिप्पी, ये जवानी है दीवानी, गोरी तेरे प्यार में, हंसी तो फंसी, टू स्टेट्स, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, उंगली। वही लेखक के तौर पर भी इन्होंने कई फिल्में की हैं, जैसे कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, कभी अलविदा ना कहना, माय नेम इज खान, स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर, बॉम्बे टॉकीज। टीवी पर भी करण जौहर गजब का छाए हैं। टीवी पर करण ने कॉफी विद करण नाम का शो होस्ट किया, जिसे में सेलिब्रिटीज से वे बातचीत करते हैं। साक्षात्कार देने वाले में अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज के अन्य प्रतिष्ठित नाम है। यह शो काफी पॉपुलर हुआ और कई बार चर्चा का विषय बना। शो में भी करण लगभग हर बड़े सेलिब्रिटी को बुला चुके हैं और उनसे बात कर चुके हैं। इंडस्ट्री में लगभग सभी से अच्छे संबंध होने की वजह से उनके एक बार के बुलावे पर सभी चले आते हैं। करण जौहर कई तरह के विवादों से भी घिर चुके हैं। वे विवादों में तब घिर गए जब AIB रोस्ट नाम के YouTube शो में उन्होंने हिस्सा लिया और हजारों की भीड़ में उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और गालियां दी। यह शो तो मनोरंजन के लिए ही आयोजित हुआ था, लेकिन बाद में कई संगठनों ने इसका और साथ साथ करण जौहर का जमकर विरोध किया। अब बात करते हैं राहुल बोस। टैलेंटेड एक्टर राहुल बोस भी अब तक कुंवारे हैं। 52 के राहुल क्यों शादी से दूर रहना चाहते हैं? जीवन साथी के बिना क्या वो अपनी जिंदगी खुलकर जी रहे हैं? इतने टैलेंटेड होने के बाद भी उन्होंने शादी क्यों नहीं की? आइए जानते हैं आखिर क्या है वजह। राहुल बोस एक भारतीय फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, सोशल एक्टिविस्ट और रग्बी प्लेयर है, जो हिंदी और बंगाली समेत भारत की अन्य भाषाओं में फिल्म करते नजर आते हैं। राहुल बोस का जन्म 27 जुलाई 1967 को कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था। बोस ने मात्र 6 साल की उम्र में अपना लीड रोल
स्कूल के एक नाटक टॉम द पाइपर्स सन में प्ले किया था। वो से एक अच्छे क्रिकेट प्लेयर भी हैं। उन्होंने भारत के मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी से क्रिकेट की कोचिंग ली थी। राहुल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने मुंबई के ही सिंडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से कॉलेज की पढ़ाई की थी। राहुल बोस ने कई भारतीय फिल्मों में अभिनय किया, साथ ही वह फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखन का भी काम करते हैं। बोस अब तक 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। शादी को लेकर उनका कहना है कि वो सिंगल खुश हैं और अपनी लाइफ अकेले एंजॉय कर रहे हैं। विनोद खन्ना के बेटे राहुल खन्ना ने भी कुछ फिल्मों में ही काम किया। 48 साल के हो चुके राहुल ने अभी तक घर नहीं बसाया है। हैंडसम पर्सनालिटी होने के बावजूद भी राहुल की जिंदगी में जीवन साथी की कमी है। ऐसी क्या बात है जो उन्होंने शादी नहीं की, आइए जानते हैं। राहुल खन्ना एक प्रसिद्ध वीजे और हिंदी फिल्म अभिनेता हैं। यह 70-80 के दशक के मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना के पुत्र हैं और इनके छोटे भाई अक्षय खन्ना एक प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता हैं। राहुल खन्ना ने 1994 में एमटीवी एशिया के साथ एक वीडियो जॉकी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारी लोकप्रियता हासिल की। एशिया में उनके बहुत ज्यादा प्रशंसक। संजय लीला भंसाली अपनी फिल्मों के जरिए प्यार की नई भाषा सिल्वर स्क्रीन पर दिखाने वाले फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली भी अभी तक कुंवारे हैं। संजय 57 साल के हो चुके हैं। अपनी फिल्मों को द्वारा बरसाने वाले संजय लीला भंसाली आखिर क्यों है सिंगल? उन्होंने प्यार की एक नई परिभाषा लिखा, लेकिन अपनी लाइफ को सिंगल ही मैनेज कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। संजय लीला भंसाली भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता, स्क्रीन राइटर और संगीत निर्माता हैं। वे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एल्युमिनाई रहे हैं। उनका बीच का नाम लीला अपनी मां को ट्रिब्यूट देने के लिए रखा। उन्होंने 1999 में SLB फिल्म्स नाम से प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। उनकी फिल्मों की खास बात यह होती है कि उनकी फिल्मों के सेट बेहद शानदार और महंगे होते हैं। 2015 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें कई बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें से फिल्म हम दिल दे चुके सनम, देवदास, ब्लैक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल है। उन्हें कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया चुका है। अगर उनके करियर की बात करें तो भंसाली ने अपने करियर की शुरुआत विधु विनोद चोपड़ा के साथ असिस्टेंट के रूप में की थी और वे फिल्म परिंदा, 1942 लव स्टोरी और करीब के लिए भी काम कर चुके हैं। उन्होंने एक फिल्म कबीर को निर्देशित करने से मना कर दिया और निर्देशक के रूप में अपने करियर की शुरुआत फिल्म खामोशी द म्यूजिकल से की। यह फिल्म कोई खास कमाई तो नहीं कर पाई, लेकिन आलोचकों ने इसे काफी सराहा। उनकी दूसरी फिल्म हम दिल दे चुके सनम प्रेम त्रिकोण पर आधारित थी, जिसमें ऐश्वर्या राय, सलमान खान, अजय देवगन मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म ने बंसाली को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित करने का काम किया और इस फिल्म के जरिए उन्होंने अपने निर्देशन क्षमता की काबिलियत दिखाई। फिल्म काफी सफल हुई और इसने कई पुरस्कार भी जीते। उनकी अगली फिल्म देवदास, जिसमें शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिका में थे, 2002 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। भारत की तरफ से यह फिल्म बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के एकेडमी अवार्ड के लिए गई। टाइम्स मैगजीन ने इसे दशक की 10 बेहतरीन फिल्मों में 8वें स्थान पर रखा। इसके बाद आई अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की ब्लैक टाइम के यूरोप संस्करण में 2005 की 10 बेहतरीन फिल्मों में 5वें स्थान पर रही। इसके बाद आई फिल्म सावरिया कोई खास कमाल नहीं कर सकी। 2006 में बंसाली ने छोटे पर्दे पर दस्तक दी और फराह खान और शिल्पा शेट्टी के साथ रियलिटी शो झलक दिखलाजा में जज की भूमिका में दिखाई दिए। वे अपने काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचकों से तारीफें बटोर चुके हैं। फिल्म में इतना रोमांस होने के बावजूद भी उनके लाइफ में कोई प्रेमिका नहीं है, अपने लाइफ में वो सिंगल है। तो ये थी वो उन एक्ट्रेस की लिस्ट जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगी आपके सामने कुछ नई इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। तमाम खबरों और क्रिस्पी बॉलीवुड न्यूज के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।